भैरो महल्ला तीसरा घर दूसरा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करते एक चलत उपाया अनहद वाणी शब्द सुनाया मन मुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान हौ कब है न छोड़ो हर का नाम रहाऊ पिता पहलाद पढ़ पठाया ले पाटी पाधे के आया नाम बिना नह पढ़ऊ आचार मेरी पटियां लिख देह गोविंद मुरार पुत्र पहलाद सिंह कहया माई पर वीरत ना पढ़ रही समझाई नर भव दाता हर जीव मेरे नाल जय हर छोड़ऊ तौ कुल लागे गाल पहलाद सब चटड़े बिगारे हमारा कहया ना सुने आपने कारज सवारे सब नगरी महभक्त दृढ़ाई दुष्ट सभा का किछ ना बसाई संडे मरके की पुकार सभे देत रहे झकमार भक्त जना की पत राखे सोई कीते के कहिए किया होई कीरत संजोगी देत राज चलाया हर ना बूझे तिन आप भुलाया पुत्र पहलाद सिंह वाद रचाया अंधा ना बूझे काल नेड़े आया ईश्वर ने एक लीला रचकर अनहद वाणी को शब्द रूप में सुनाया है मन मुखी जीवों ने सुनकर भी ध्यान नहीं दिया मगर गुरमुखों ने तथ्य को बूझ लिया है कि प्रभु सव्यम ही करता है और बनाता आया है मेरे मन में गुरु उपदेश का ही ध्यान बना हुआ है और हरि नाम स्मरण को कदापि नहीं छोड़ सकता रहाऊ पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा और वह पट्टी लेकर अध्यापक के पास आ गया उसने आग्रह किया कि प्रभु नाम के सिवा अन्य कुछ नहीं पढ़ूंगा अतः मेरी पट्टी मेरी तख्ती पर ईश्वर का नाम लिख दो माँ ने पुत्र प्रहलाद से कहा तुम अन्य रीति रिवाजों में मत पढ़ो अध्यापक का कहना मानो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया प्रेम स्वरूप सबको देने वाला ईश्वर मेरे साथ है अगर उसे छोड़ता हूँ तो कुल को दाग लगेगा अध्यापकों ने पिता से शिकायत की कि प्रहलाद ने सभी सहपाठियों को बिगाड़ दिया है और हमारा कहना नहीं मानता अपितु अपने ही कार्य भक्ति कर रहा है समूचे नगर में भक्ति की बात कर रहा है और दुष्टों की सभा का उस पर कोई वश नहीं चला अध्यापकों छड एवं अमरक ने राजा हिरण्यकश्यपु से फरियाद की कि सभी देते निरर्थक समय बर्बाद कर रहे हैं जब भक्त जनों की प्रतिष्ठा एवं प्राण स्वयं ईश्वर बचाने वाला है तो उसके उत्पन्न किए जीव का कोई बल नहीं चल सकता कर्मों के संयोग से दैत्य हिरण्यकश्यपु राज करने लगा उसने ईश्वर के रहस्य को नहीं समझा और ईश्वर ने स्वयं ही उसे भुला दिया वह अपने पुत्र प्रहलाद से झगड़ा करने लग गया मगर अंधे दैत्य ने यह नहीं समझा कि मौत उसके निकट आ रही है प्रहलाद कोठे बिच रखिया वार दिया ताला नरभव बालक मूल न डरई मेरे अंतर गुर गोपाला कीता होवे सरी की करे अनहोदा नाउ धराया जो धुर लिखिया सो आई पहुता जन सिउ वाद रचाया पिता प्रहलाद सिउ गुर्ज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गोसाई जग जीवन दाता अंत सखाई जह देखा तह रहया समाई थम मह उपाड़ हर आप दिखाया अहंकारी दैत मार पचाया भगता मन आनंद बजी बधाई अपने सेवक कौदे बड़े आई
जमन मरण मोह उपाया, आवन जाना करते लिख पाया, पहलाद के कारज हर आप दिखाया, भगता का बोल आगे आया, देव कुली लक्ष्मी कौ करह जयकार, माता नरसिंह का रूप निवार, लक्ष्मी भव करे न साके जाई, पहलाद जन चरणी लागा आई, सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, राजमाल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाई, हर के नाम बिन दरगह मिले सजाई, कहे नानक सबको करे कराया, से परवान जिन्ने हर सुचित लाया, भगता का अंगीकार करदा आया, करते अपना रूप दिखाया, फिर पहलाद को कमरे में बंद करके दरवाजे को ताला लगा दिया गया, निर्भीक बालक ने माना कि ईश्वर मेरे अंतर मन में ही है, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरा, ईश्वर का बनाया हुआ जीव अगर ईश्वर की बराबरी करने लगे और अपना नाम ऊंचा मनवाए तो कर्म फल अवश्य पाएगा, अतः भक्त पहलाद से हिरण्यकश्यपु ने झगड़ा खड़ा कर लिया। पिता हिरण्यकश्यपु ने पुत्र का वध करने के लिए गदा उठा ली और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा जगदीश कहाँ है? पहलाद ने प्रत्युत्तर दिया, संसार का जीवन दाता अंत तक मेरा सहायक है और मैं जिधर देखता हूँ उधर ही व्याप्त है। तत्क्षण खंबे को फाड़कर ईश्वर ने नरसिंह रूप में स्वयं को साक्षात किया और अहंकारी राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह भक्तों के मन में आनंद छा गया और अपने सेवक को उसने बड़ियाई प्रदान की। जन्म मरण मोह सब ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है और आवागमन का लेख लिख दिया है। भक्त पहलाद के कार्य हेतु भगवान जी ने स्वयं को प्रकट किया और भक्तों का वचन पूरा हुआ। फिर सभी देवताओं ने लक्ष्मी जी की वंदना करते हुए विनती की, हे माता, भगवान को नरसिंह का रूप छोड़ने के लिए आग्रह करें। मगर लक्ष्मी जी भी डरते हुए उनके पास न जा सकी। तदनंतर भक्त पहलाद प्रभु के चरणों में लग गया। सतगुरु ने हरि नाम रूपी सुखों का भंडार ही पक्का करवाया है। राज संपदा एवं समूची माया झूठी है, मगर लोभी व्यक्ति इससे ही लिपटे रहते हैं। हरि नाम स्मरण के बिना दरबार में दंड ही मिलता है। हे नानक, ईश्वर ही सब करने एवं करवाने वाला है। वही व्यक्ति मान्य है जिन्होंने ईश्वर से मन लगाया है। वह सदैव भक्तों का साथ देता आया है। अतः भक्तों के लिए कर्ता प्रभु ने अपना रूप दिखाया है। भैरव महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हउमे तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मन सा मन नह समाई, हर जीव कृपा करह मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दिन जन मांगे, गुर के शब्द उधारे, रहाउ संत जना को जम जोह ना साके, रति अंच दुख ना लाई, आप तरह सगले कुल तारह, जो तेरी शरणाई, भगता की पेज रखह तू आपे, एह तेरी बड़ियाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटह, दुविधा रति नराई, हम मूड मुगध किछ बुझे नाही, तू आपे देई बुझाई, जो तुद भावे सोई करसी, अंबर ना करना जाई, जगत उपाय तुद धंदे लाया, भूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्दे सुरत ना पाई, मन मुख मरह तिन किछु न सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, भव जल पार न पावह कभी, डूब मुए बिन गुर सिर भारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए,
गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द बिचारे नानक तिन के सद बलिहारे राम नाम उर धारे। गुरु की सेवा से अमृत फल पाया जा सकता है और अहम तथा तृष्णा निर्वृत हो जाती है। प्रभु का नाम हृदय में अवस्थित हो जाए तो मन की लालसाएं दूर हो जाती हैं। हे प्यारे प्रभु कृपा करो दीन सेवक तुझसे तेरा गुणगान ही चाहता है। गुरु के उपदेश से उद्धार करो रहाऊ।